ठक्कर और सलमान खुर्शीद के बयान के लिए देश से सोनिया मांगे माफी। नीतीश के शपथ समारोह में शामिल होंगे पीएम। नीतीश ने मोदी को फोन पर दिया बुलावा। बड़ा सवाल, क्या रिश्तों की पिघल जाएगी बर्फ। बिहार की हार को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी पर फिर बड़ा हमला। कहा, हार के कसूरवार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दे जवाब। रॉबर्ट वाड्रा पर फिर हमलावर हुई हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री खट्टर का बयान, 6 महीने के भीतर वाड्रा को भेजेंगे जेल, जनता को वापस करेंगे लूटे गए हजारों करोड़ रुपए। सीबीआई के कार्यक्रम में पीएम मोदी का ऐलान, नहीं बख्शे जाएंगे भ्रष्टाचारी। बेहतर अफसरशाही के लिए कदम उठा रही है सरकार। काला धन वापस लाने का भी किया ऐलान। पेरिस में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। मास्टरमाइंड की तलाशी के दौरान एनकाउंटर, महिला आतंकी ने खुद को उड़ाया। अब तक 3 की मौत, 3 गिरफ्तार। मैगी पर थमा बवाल, लेकिन बाबा रामदेव के नूडल्स पर सवाल। एफएसएसएआई से बिना मंजूरी बाजार में उतारने का आरोप, लेकिन पतंजलि का आरोपों से इनकार। और बारिश में धुला बेंगलुरु टेस्ट। लगातार 4th दिन बारिश की वजह से नहीं हो पाया खेल। आखिरी दिन की बारिश की वजह से हुआ ड्रॉ। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। नमस्कार, श्री राधे। मैं हूं सचिन शिरोमणि और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल आज और कल। और हमेशा की तरह खास हम आपके लिए विषय लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने हम ये भावनाएं व्यक्त रखना चाहते हैं, क्योंकि विश्व भर में जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रांस के पेरिस में जिस तरह की आतंकवादी गतिविधि को इस वक्त अंजाम भी दिया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए वहां के लोगों को शक्ति मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और जैसा भी वहां पर जानमाल का नुकसान हुआ, लोगों की जाने गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना ही करते हैं। आचार्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पेरिस में जिस तरीके की दुखद घटना हो रही है और इस समय जो आतंकवाद गतिविधि वहां पर चल रही है, उसके लिए हम ये कहेंगे कि जितने भी वहां पर जो दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी श्रीहरि उनकी आत्मा को शांति दे और उनको शक्ति प्रदान करे इस दुख से लड़ने की। जी हाँ, अब आ जाते हैं अपने विषय पर, जो कि आज का हमारा विषय भी है। और आज का विषय हमारा है गोपाष्टमी। जी हाँ, कल का दिन गोपाष्टमी का दिन, जिस दौरान गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। गौ माता की पूजा अर्चना हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि न जाने कितने इतने तरीके के हमारे दुख होते हैं, वो धुल सकते हैं, वो कष्ट दूर हो सकते हैं अगर आप गौ माता की पूजा करते हैं। यूं भी साक्षात कई हजार देवता गौ माता में समाहित हैं, उनका जो दूध है उससे हमें, हम कहेंगे कि साक्षात जो गौ माता है जीवनदायिनी है, जीवन की जो है स्तुति है हमारे लिए, कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन क्या कुछ आज के कार्यक्रम में खास होगा, ये हम लेकर ही आए हैं। और जिनके लिए आचार्य जी हमारे साथ, उनसे हम जानना चाहेंगे। जाने माने ज्योतिष आचार्य सचिन शिरोमणि जी हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं जी। और साथ साथ बताइए गोपाष्टमी के बारे में। श्री राधे, धन्यवाद। कि गोपाष्टमी का जो ये पावन पर्व है, सर्व मान्य है कि हिंदू धर्म के अंदर गौ माता का पूजन किया जाता है, लेकिन सभी देवी देवताओं का वास इस माँ गौ के अंदर माना गया है। हर तरह का जो ग्रह कलेश है, किसी तरह की कोई पीड़ा है, कोई ग्रह पीड़ा है, कलह कलेश है, किसी भी तरह की कोई भी जो स्थिति बनी हुई है आपको लेके, वो भी नकारात्मक, इस गौ माता के पास है वो निदान कि गौ माँ की कैसे आप सेवा करें और कैसे पाएं माँ के चरणों की धूली को लगाने का क्या तरीका रहेगा, वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ गौ माता के पूजन और अर्चन से आप हर तरह की दुविधा और जो पीड़ा है उससे बिल्कुल मुक्ति पा जाएंगे। बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि कल के दिन गोपाष्टमी के दिन क्या पूरा विधि विधान होगा गौ माता की पूजा का। बस कुछ ही क्षण बाकी है बताने के लिए, लेकिन उससे पहले बिल्कुल बारी आ गई है उस खास स्तुति की जिसके सुनने मात्र से आपके कष्ट कट सकते हैं। बात कर रहे दिव्य स्तुति की, आइए सुनते हैं आज की दिव्य स्तुति।
आज की दिव्य स्तुति हम ये कहेंगे कि महादिव्य स्तुति भगवान श्री हरि ठाकुर जी का पावन पर्व गोपाष्टमी और उन्हीं के पावन पर्व पर उन्हीं के स्मरण का जब आप ध्यान करेंगे और स्मरण करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से आपके कष्ट कलेश स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो ध्यान करिएगा आंख बंद करके। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण तवामहम शरणम गतः। इस प्रकार जब आप ये स्मरण सुनेंगे और इस गायन को सुनेंगे तो देखेंगे कि आप कैसे श्री हरि ठाकुर जी की असीम कृपा को प्राप्त कर लेते हैं और आपके जो दुख हैं, आपकी जो पीड़ा है बिल्कुल दूर हो जाती है। चलिए कॉलर है हमारे साथ गाजीपुर से आदित्य, उनसे बात करते हैं। आदित्य जी स्वागत है आपका। आदित्य जी अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। जी बात कीजिए आदित्य जी। नमस्ते गुरु जी। श्री राधे। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29/5/94 जी। 29/5/94 जी। दिन रविवार गोवा में प्रेस। टाइम बताइए। टाइम 9:25 सुबह से। सुबह 9:25 गोवा का जन्म जी। आप सवाल पूछिए। गुरु जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा एयरफोर्स नेवी या रेलवे में नौकरी है कि नहीं। एयरफोर्स नेवी वगैरह में नौकरी है या नहीं है जी। बिल्कुल बताएं भैया आपको। आपका मिथुन लग्न का जन्मांक स्वराशि का बुध और शुक्र आपके लग्न के अंदर। सबसे पहले आपको बताएं कि जो आपकी दशा चल रही है राहु की मां दशा बृहस्पति की अंतरदशा। लेकिन आपको एक आपको बता दें बात कि 8 मार्च 2016 के बाद यह संभव हो पाएगा। बृहस्पति यहां पर सप्तमेश और दशमेश है। 5:15 से 7:15 रति तक का एक पुखराज धारण करिएगा। यदि आप ये धारण ना कर पाए तो कम से कम एक साबुत हल्दी की गांठ को अपने पॉकेट के अंदर रखिएगा। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम एक माला नित्य जाप अवश्य करिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कल का दिन यानी कि गोपा अष्टमी का दिन जिस दौरान गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप भी करने जा रहे हैं पूजा अर्चना तो हम आपको बताएंगे वो पूरा विधि विधान जैसे तैसे आपको कैसे करनी है गौ माता की पूजा ताकि पूरी ये पूजा फलित हो और आप इसका फल भी पाए। आइए जानते हैं विधि। दोस्तों गोपाष्टमी तो आपने बहुत मनाई होगी, गौ माता का पूजन किया होगा, लेकिन सही विधान क्या है, क्या उसका तरीका रहेगा, कैसे गौ माता आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो पाए, इसकी विधि आप जान लीजिएगा। बहुत आसान है ये तरीका। गोधूली वेला यानी कि 4 से 6 के मध्य आप जो है गोधूली वेला के अंदर गाय का रोली अक्षत और मौली द्वारा और पीले फूल द्वारा जो है पूजन करें और 5 आटे के आपको पेड़े बनाने हैं जिसके अंदर आपको चने की भीगी हुई दाल और गुड़ रखना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके ये 5 की संख्या रहेगी। इस चीज को आप खास तौर से नोट कर लीजिएगा। पूर्व दिशा की मुख करके आप जब गाय को ये दें खाने के लिए तो आपका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और ये पेड़े जो है आपको एक एक करके गाय को खिलाने हैं। इस तरीके से आप पूजन करिएगा गौ माता का। हो सके तो वहां पर जो है थोड़ा सा अपने कुलदेव का भी ध्यान करिएगा, गौ माता की कृपा अवश्य मिलेगी। और बस कुछ ही देर में हम आपको देने वाले हैं आपका सीक्रेट नंबर भी यानी कि अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार होगा वो सीक्रेट नंबर जिसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जी हाँ, शेयर करेंगे तो बट जाएगा भाग्य, इसीलिए ये है सीक्रेट नंबर कुछ ही देर में आपके लिए। फिलहाल बात करेंगे हम किरण से, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हमारे साथ। किरण जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे। श्री राधे जी। श्री राधे। हाँ जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। हाँ उसका जन्म तारीख है 8/2/1983 जी। 8/2/1983 समय है सुबह 7:40 सुबह और जन्म का स्थान। हाँ, और स्थान है भाटापारा रायपुर जी। जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो दोनों पति पत्नी ही मतलब दोनों बेटा बहू ही हम लोगों को पेरेंट्स को नहीं पूछते जी। आपका सवाल हम समझ नहीं पाए जी। आप जैसे माता पिता को जैसे मान सम्मान पूछना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं दोनों बच्चे। अच्छा जी जी बिल्कुल। आपको बताएं कि इनके जन्मांक के अंदर कुंभ लग्न का जन्मांक और नवम भाव के अंदर इनके उच्च का शनि। देखिए इनको यदि प्रोग्रेस चाहिए, उन्नति चाहिए तो अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करना होगा। यदि ये ऐसा नहीं कर पा रहे तो किसी कार्य के अंदर ये उन्नति नहीं कर पाएंगे। इस बात का हमें बड़ा दुख होगा ये कहते हुए कि हमेशा सबको अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए। लेकिन आप इनके निमित्त कुछ उपाय करिएगा। आप 1.25 मीटर वस्त्र लीजिएगा और 1.25 किलो चने की दाल लीजिएगा और 5 पीली हल्दी की गांठ लीजिएगा।
इस विष्णु सहस्त्र नाम का इस शुक्ल पक्ष के वीरवार को आप पाठ कराइएगा या स्वयं भी आप ये पाठ कर सकती हैं, और ये दान जो है आपको किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को दान करना है। इस तरीके से आप कम महीने के अंदर एक बार ऐसा अवश्य करिएगा, आपके जो बच्चे हैं उनको सद्बुद्धि अवश्य आएगी। तो आज का हमारा जो ये विषय है गोपाष्टमी को लेकर है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज बेशक हम ये उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी न जाने अलग अलग तरीके की कितनी परेशानियों को दूर कर देंगे, लेकिन आज के अगर वक्त की बात की जाए तो गौ माता को हम सड़कों पर देखते हैं, कूड़ा घर में देखते हैं जहां पर उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो आज से क्यों ना हम ये प्रण लें कि हर दिन गौ माता की सेवा का एक छोटा ही अंश अगर हमें निभाने को मिल जाए तो ये मान के चलिए न जाने आपके जीवन में कौन सी परेशानी दूर हो जाए, ये जो आपके ग्रह हैं जो आपके जीवन में आपको सताते हैं ये भी दूर हो जाए। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे अगर आप ऐसे ही सड़क पर चल रही गौ माता को अगर परेशान करते हैं या आप उनको किसी बेसुध हालत में छोड़कर निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी आपके ग्रह आपको परेशान कर सकते हैं, क्या कुछ होगा उनका प्रभाव भी बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन अब आ जाते हैं विषय पर, और विषय ये रहेगा कि गोपाष्टमी की पूजा अगर आप इसलिए करना चाहते हैं कि जो आपके बच्चे हैं उनका पढ़ाई में ध्यान लग पाए, एकाग्र बढ़ पाए, तो फिर क्या करेंगे आइए जान लेते हैं। दोस्तों गोपाष्टमी का पावन पर्व है, आपको भरपूर फायदा उठाना है, गौ माता तो देने के लिए ही है, हर तरीके से गौ माता अपना सर्वस्व आपको देने के लिए विद्यमान है इस धरती पर, लेकिन आप उससे फायदा ही नहीं उठा पा रहे। गोपाष्टमी का पावन पर्व पर आपको खास उपाय करना है अपने उन बालकों के लिए जो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी अग्रसर नहीं होते या फिर उनका ध्यान ही पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। इस उपाय को नोट करिएगा। सबसे पहले आपको बताएं उन बालकों के लिए कि सुबह सुबह पहली रोटी आपको हल्दी से स्वस्तिक बनाकर जो है तैयार करनी है। एक आप रोटी लीजिएगा, उस पर हल्दी से आप स्वस्तिक बनाइएगा, रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर बच्चों के हाथ से जो बालक नहीं पढ़ रहे उनके अंदर संस्कार आएंगे और उन्हीं के हाथ से ये आप गाय को दिलवाइएगा, हो सके तो जल का छींटा गाय के चरणों पर अवश्य दिलवाइएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें जब बालक गाय को रोटी प्रदान करे, जो रोटी देने के लिए उनको जाएंगे वो, तो मन ही मन अपने कुलदेव या इष्ट देव का ध्यान अवश्य करें, लेकिन इस चीज को आप मान के चलिएगा कि आपको गौ माता की सेवा जो है नित्य करनी है। अपने घर का प्रथम आहार जो है, जो पहला फुल्का बनता है, रोटी बनती है, वो गौ माता के लिए अवश्य निकालनी है। और बस कुछ ही देर में हम बात करने वाले हैं आज के लकी कॉलर से भी, फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको हम दिखाएंगे कल दोपहर का कार्यक्रम, कल दोपहर का नहीं, पहले हम कल 8 बजे के कार्यक्रम की बात करेंगे क्योंकि कल तो गोपाष्टमी है ही, तो कल 8 बजे हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहु का दोष अगर आपके जीवन में आपको परेशान कर रहा है तो राहु के दोष को पूरी तरीके से काट सकती है गौ माता की सेवा। जी हाँ, ये सेवा किस तरीके से आपको करनी है कल सुबह 8 बजे हम बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारा सिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका, पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में कुत्ते अंदर झांक देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल, The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम, ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम, ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आपको ये सारी जानकारी दी जा रही है गोपाष्टमी से जुड़ी हुई। अभी ब्रेक से पहले हमने आपको गोपाष्टमी के दौरान गौ माता की पूजा की पूरी विधि बताई है, साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि अगर आपकी संतान पढ़ाई में एकाग्रता नहीं कर पाती है तो फिर क्या उपाय कर सकती है वो। लेकिन अब आ जाते हैं आपके लिए, व्यापार अगर आपका लगातार डूब रहा है, खूब सारा पैसा आप लगा चुके हैं लेकिन फलित ही नहीं हो रहा है, या व्यापार करने की आप सोच रहे हैं लेकिन अब तक काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं, तो इस गोपाष्टमी से आप कैसे प्रण लेंगे गौ सेवा का ताकि यहां पर इस क्षेत्र में आपको बहुत फायदा हो, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, कौन नहीं चाहता व्यापार द्वारा धन अर्जन करना। आपने बहुत मेहनत की, इधर उधर से पैसा भी ले लिया लेकिन व्यापार आपका ठीक तरीके से नहीं चल पाया। गौ माता के पास है इसका उपचार, करिए गौ माता की सेवा। करना क्या है इसके निमित्त, घर की जो प्रथम रोटी है उस पर आप दही और मिश्री रखकर आप घर से निकलें और उत्तर दिशा की मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको ये गाय को खिलानी है। उत्तर दिशा में कुबेर देव का वास होता है, बुध ग्रह वहां पर विराजमान होते हैं और मन ही मन नारायण भगवान का आपको ध्यान करना है। और हो सके तो एक छोटा सा आपको कष्ट और देंगे कि घर से जब भी निकलें तो नंगे पांव ही निकलिएगा अगर ये संभव हो पाए तो। उसके बाद आप हरी घास या हरा चारा जो है गाय को अवश्य दीजिएगा। देखिएगा कैसे आपका जो व्यापार है बिल्कुल फलीभूत हो जाएगा और आपके व्यापार के अंदर जो फायदा होता है उससे आप आगे चल के गौ माता का आप संकल्प लीजिएगा कि किसी ना किसी गौ माता के इलाज पर भी आप कुछ ना कुछ पैसे अवश्य खर्चेंगे। और चलिए वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का, तो कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, चलिए उन्हें सबसे पहले नंबर लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से आप बात कर रहे हैं ये बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे। जी जी नमस्कार जी, मेरा नाम नीलेश गौर है, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। जी नीलेश जी, कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनके? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपका शो डेली देखता हूँ मैम, और आप जो भी उपाय बताते हैं पंडित जी, जो भी उपाय बताते हैं मैम, मम्मी और सब यानी पूरे परिवार मिलके करते हैं उनको। श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैम मुझे अपने बारे में ही जानना था जी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस, ये तीनों बताइए। ओके मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1988 जी, और टाइम है 10:50 रात्रि का जी, और जन्म स्थान है नागपुर जी। अब सवाल रखिए आप। मैम मुझे जानना था कि मुझे मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैंने बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही है मुझे। चलिए सफलता तो आप दिलाएंगे आचार्य जी, क्या कहते हैं जी? बिल्कुल भैया, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कर्क लगन का आपका जन्मांक, बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की ही अंतरदशा। सबसे पहले तो आपको बता दें आज का प्रोग्राम आप देख ही रहे होंगे, गौ की सेवा आप करना आरंभ कर दीजिए, गौ माता से बिल्कुल जुड़ जाइएगा। हो सके तो अपना वजन कराइएगा और वजन के बराबर हरा चारा किसी गौशाला के अंदर दान करिएगा। और आपको एक और उपाय बताते थे कि 5:15-7 रात्रि तक का एक पुखराज भी आप अवश्य धारण करिएगा। आप लकी कॉलर बन गए इस पावन पर्व पर, गोपाष्टमी का है कल पावन पर्व और बृहस्पति की महादशा के अंतर्गत आपको एक कार्य और करना है। आपको 1.25 किलो जो है सरसों लेनी है और अपने घर के ईशान कोण के अंदर किसी 1.25 मीटर जो है पीले वस्त्र के अंदर रखकर उसकी पूजा अर्चना करनी है। इसके नित्य दर्शन करिएगा, बृहस्पति देव की कृपा अवश्य मिलेगी। और चलिए बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं सीक्रेट नंबर के बारे में भी, लेकिन उससे पहले लुधियाना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, राजकुमार। स्वागत है आपका राजकुमार जी। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे, श्री राधे भैया। 8 मई जी 1960 जी रात्रि 1 बजे लुधियाना पंजाब जी जी। आचार्य जी मैं कौन सा काम करूं और मेरे ऊपर कर्ज बहुत चढ़ा हुआ है जी। कर्ज बहुत हो गया है तो और कौन सा काम करूं जी? जी कौन सा काम जी? बिल्कुल बता देने जी, मकर लगन का आपका जन्मांक भैया और दशमेश यानी कि जो शुक्र है आपका वो सूर्य के साथ अस्त है चतुर्थ भाव में। देखिए सबसे पहले आपको बताएं किसी कपड़े से या गारमेंट से संबंधित आप काम करिएगा। शनि की महादशा और बुध की अंतरदशा। सबसे पहले तो आपको बताएं कि सरसों के तेल का चौमुखा दिया किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइएगा, ये आपको बहुत लाभान्वित करेगा। और साथ ही साथ हो सके तो पीपल के वृक्ष की 7:30-9 के बीच शनिवार के दिन प्रदक्षिणा अवश्य करिएगा। ऋण मोचन, मंगल स्त्रोत का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये आरंभ कर दीजिएगा।
और चलिए बिल्कुल अब आपको बता देते हैं वो खास सीक्रेट नंबर जो कि आपको रखना है बहुत सीक्रेट, यानी कि आपको लिखते हुए रखते हुए कोई ना देखे सीक्रेट नंबर, पर आपका भाग्य भी बट सकता है। अपने मूलांक अनुसार नोट कर लीजिए सीक्रेट नंबर। सभी बंधुओं को बताएं उनके मूलांक के आधार पर क्या रहेगा उनका सीक्रेट नंबर, नोट करिएगा, लेकिन साझा बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज को आप बहुत ध्यान रखिएगा। मूलांक एक वाले लिखें 14 नंबर को सीक्रेट नंबर पर, बहुत छुपा के लिखना है, हिडन रखिएगा, किसी से शेयर मत करिएगा। मूलांक दो की बारी आ चुकी है, 23 नंबर लिखें सीक्रेट नंबर पर, और मूलांक तीन 15 नंबर यानी कि 15 नंबर रहेगा सीक्रेट नंबर। मूलांक चार 22 नंबर लिखें सीक्रेट नंबर पर, और मूलांक पांच की बारी आ गई है 51 यानी कि 51 नंबर रहेगा आपका सीक्रेट नंबर। मूलांक छह 48 48 नंबर लिखें सीक्रेट नंबर पर, और मूलांक सात की बारी आ चुकी है, वो भी बिल्कुल भी नाराज ना हो, 38 नंबर 38 नंबर लिख लें सीक्रेट नंबर पर, और मूलांक आठ इनका सीक्रेट नंबर रहने वाला है आज 17 नंबर, और आखिरी मूलांक यानी कि नौ मूलांक 18 नंबर लिखें सीक्रेट नंबर पर। प्रयोग कैसे करना है ये भी आपको बता देते हैं। एक पान का पत्ता लीजिएगा आज ही के दिन इसी प्रोग्राम के बाद, और हल्दी के द्वारा आप इसको लिखिएगा, अपनी पॉकेट में रखिएगा, भरपूर फायदा उठाइएगा 24 घंटे, उसके बाद किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में इसे अर्पण कर दीजिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि हर प्रकार के कार्यों में अगर आपके विघ्न आ जाते हैं, कोई भी काम, मसलन आपकी जॉब का काम है, आप घर में कोई शादी का काम है या कोई भी छोटा बड़ा काम, लेकिन जब भी शुरुआत होती है बिगड़ ही जाता है। अगर आप इस तरह के विघ्न बाधाओं से बचना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपके सारे इस तरह के विघ्न वाले कामों को सुगमता में बदल सकती है, बहुत ही आसानी में बदल सकती है। ये जान लेते हैं उपाय। दोस्तों अब आपको बता दें कि गौ माता के पास हर तरीके का इलाज है, गौ माँ के पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन करना है क्या आपको ये आपको बता देते हैं। घर के सभी सदस्य, ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये ध्यान दीजिएगा, घर के सभी सदस्य गौ माता की पूजा एवं आरती करेंगे कल गोपाष्टमी के पावन पर्व पर, और घर के सभी सदस्य एक एक करके गौ माता को अपने हाथ से ज्वार खिलाएंगे, और गौ माता के चरणों की मिट्टी का तिलक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यह बहुत ही सटीक उपाय है। उनके चरणों की धूल ले लीजिएगा जहां गौ माता का पूजन करेंगे, थोड़ा सा लेकर भी आ जाइएगा इस धूल को, और नित्य जो है इसका तिलक करिएगा। आचार्य जी हम तो ये कह रहे हैं कि गौ माता के चरणों की धूल का हमें तिलक करना है, लेकिन गौ माता का हाल तो आज यही हो गया है कि माँ धूल में ही रहती हैं। जी बिल्कुल, वो जो हाल हम देख पाते हैं या फिर अक्सर हमने देखा है कि लोग इतनी अवहेलना करते हैं, उनको किसी भी दुर्दशा में देखकर निकल जाते हैं और खुद भी परेशान करते हैं, उनको मारते भी हैं बहुत ज्यादा, मतलब ना पानी पिलाना ना खाना खिलाना, ऐसे ही घूमती हैं आजकल सड़कों पे, क्या इसका भी कोई दूषित प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है? बिल्कुल शायदा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि गौ माता की यदि आप सेवा नहीं कर रहे हैं, गौ माता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, सिर्फ एक ग्रह नहीं, हम ये कहेंगे 9 के 9 ग्रहों पर भारी है माँ गौ की सेवा। आप माँ गौ की सेवा करिएगा, हो सके तो किसी ऐसी गाय की सेवा करिएगा जो शारीरिक रूप से जो है थोड़ा सा स्वस्थ ना हो, उसको चलने में पीड़ा हो या उसको खाने में पीड़ा हो, तो उसकी सेवा आप करिएगा, देखिएगा किस तरीके से आपके जन्मांक के अंदर जो पीड़ित ग्रह हैं आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। और सच बताएं तो आचार्य जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि आपको सिर्फ गोपाष्टमी को ही गौ माता की पूजा नहीं करनी है, आज से ही आपको इस बात का प्रण कर लेना है कि आज से हर दिन आप अपने घर की पहली रोटी जरूर गौ माता के नाम की निकालेंगे और जीवन पर्यंत ये आपको विधि रखनी ही होगी। तब देखेगा कि ना सिर्फ आप बल्कि आने वाली आपके परिवार की पीढ़ियां कितनी खुशहाल हो जाती हैं। यही हमारा मकसद है और इस तरह के उद्देश्य हम हमेशा रखते हैं कि समाज सेवा, एक समाज में अच्छा संदेश देना कल आज और कल हमेशा आपके लिए लेकर आता है। चलिए अब एक कॉलर है हमारे साथ, भोला देवी हैं हिसार से, उनसे बात करते हैं। भोला देवी जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। आचार्य जी नमस्ते। श्री राधे। श्री राधे जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी मेरी बेटी का जन्मदिन है जी 28 अगस्त 2001 रात को 12 बजे। जी हरियाणा। जी हरियाणा कौन सी जगह? जी हिसार डिस्ट्रिक्ट। जी हिसार से। सवाल रखिए आप। जी मैं अपनी बेटी के भविष्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ, उसकी सेहत के बारे में। सेहत, पढ़ाई और भविष्य। देखिए भोला देवी जी, आपको ये तो बता दें, हम उपाय तो आपको बता देंगे, लेकिन आज आपको संकल्प लेना होगा कि गौ माता की सेवा आप अवश्य करेंगी। उपाय अब जान लीजिए आप। वृषभ लग्न का आपकी सुपुत्री का जन्मांक शनि यानी दशमेश होकर
वृषभ लग्न में शनि दशमेश और नवमेश होते हैं, लग्न के अंदर बैठे, किसी तरह की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र की महादशा और राहु की अंतरदशा, फिर से वही राहु जुड़ गया। गौ माता की सेवा आप अपनी सुपुत्री के द्वारा करवाइएगा। और जो पंचमेश बुध है, इनका सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग अवश्य बना रहा है। इनके हाथ से हरा चारा शुक्ल पक्ष के बुधवार को, हम ये कहेंगे नित्य ये सेवा करें, हर तरह से लाभान्वित होंगे और किसी तरह की कोई विघ्न बाधा बिल्कुल नहीं आएगी। आचार्य जी, गोपाष्टमी से जुड़ी हुई ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे, श्री राधे। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। वो तमाम चीजें, वो सारी संदेश भी और सलाह भी जो हमने आपको दी, वो जरूर आप अपनाएंगे। फिलहाल अब आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे, जी हाँ, अक्षय नवमी भी आने वाली है और अक्षय नवमी से जुड़ी हुई खास जानकारी कल दोपहर 2 बजे ही हम आपको देंगे। फिलहाल देखिए आप उस कार्यक्रम की झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियो कॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी, कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप, हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट।